हमने सरकार से स्थानीय नीति के लिए 1932 या लास्ट सेटलमेंट को मांगा, लेकिन सरकार ने हमें क्या दिया? सरकार ने 2023 देने का काम किया है, सरकार ने 2023 का नीति देने का काम किया है। और आज भी मंच पर खड़ा होकर ये कैसा नेता, कैसा नेतृत्व खड़ा होकर खुलेआम लोगों के बीच में झूठ बोले जा रहा है। अब समय आ गया, आर की पार की लड़ाई का समय आ गया है। अब आपको तय करना पड़ेगा, राज्य की जनता को तय करना पड़ेगा। ऐसे मठाधीश, ऐसे अगर राजनेता अगर राज की गद्दी पर रहेंगे तो रोज राज का नुकसान होगा। और आप देख रहे हैं, जिस सरकारी संसाधन को बचाने की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा करते रहा है, आज वही के नेतृत्व में सरकारी संरक्षण में सबसे ज्यादा लूट इस प्रदेश में हो रहा है और सरकारी संसाधन का हानि हो रहा है। यह संभव था कि सरकार निर्णय ले सकती थी, सरकार के पास विकल्प थे, लेकिन यह सरकार समाधान नहीं चाहती है। ये सरकार राज्य के लिए नहीं सोच रही है। प्रथम बार जब सरकार आई थी तो राज्य के खजाने पर श्वेत पत्र जारी किया था। अब सरकार बताए, सरकार ने निर्णय लिया और अपने निर्णय के आधार पर आज 3.5 साल में सरकार का आर्थिक स्थिति क्या है, सरकार का राजस्व कहाँ है? सरकार का राजस्व कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में राजनीतिक दलों के जेब भरने का काम कर रहा है। यही निर्णय हो रहा है, यही बातें चल रही है। ये सरकार और सरकार के नेता जब डरे हुए हैं तो आम लोगों का क्या होगा? इसीलिए सरेआम रांची जैसे मुख्यालय राजधानी में भी दिन में गोली चल रहा है। यही हेमंत सरकार का 3 साल का व्यवस्था है, यही शासन है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।